पब्लिक टीवी आपकी आवाज। प्रदेश सरकार की तरफ से शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के दस्तकारों और पारंपरिक कारीगरों के विकास को लेकर लागू हुई विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत जिले के कारीगरों को 6 दिन का विशेष प्रशिक्षण दिया। संयुक्त आयुक्त उद्योग देशराज गौतम ने बताया कि योजना के अंतर्गत बढ़ई दर्जी नाई मोची हलवाई लोहार सुनार एवं हस्तशिल्पियों के आजीविका के साधनों को मजबूती देकर उनके जीवन स्तर बेहतर बनाने पर फोकस किया गया है। प्रत्येक ट्रेड में 25 टूल किट क्रिय किए जाने हैं। इनकी सप्लाई के लिए इच्छुक इकाइयों एवं फर्मों से कोटेशन मांगी गई है। अंतिम तारीख 16 जनवरी निर्धारित की गई है। सोमवार को लाजपत नगर स्थित फेयर ट्रेड प्राइमरी प्रोड्यूसर एसोसिएशन के कार्यालय पर मेगा हस्तशिल्पी सहायता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आर्टिजन पहुंचे। हस्तशिल्प विभाग और बैंकों के संयुक्त शिविर में आर्टिजनों को एक ही छत के नीचे अपना पहचान पत्र और लोन मिलने की सहूलियत प्राप्त हुई। अपर निदेशक हस्तशिल्प मोहम्मद इलियास ने शिविर का निर्देशन किया, बताया कि विभाग की तरफ से आर्टिजनों के संशोधित पहचान पत्र वितरण की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जिन आर्टिजनों का पहचान पत्र अब तक नहीं बना है, उनसे आवेदन लेने की प्रक्रिया उद्यम शुरू करने के इच्छुक आर्टिजनों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऐसे शिविरों के आयोजन का सिलसिला शुरू किया गया है। एडी हस्तशिल्प ने कहा कि काम करने के इच्छुक आर्टिजनों को बिना किसी परेशानी के लोन मिलेगा। अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक सतीश गुप्ता ने नेतृत्व में कई बैंकों की टीम शिविर में पहुंची। कई आर्टिजनों को 50,000 रुपए तक के मुद्रा शिशु लोन बांटे गए। संचालन फेयर ट्रेड प्राइमरी प्रोड्यूसर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सैयद गानिम ने किया। संयुक्त आयुक्त उद्योग देशराज गौतम, अग्रणी जिला बैंक अधिकारी रामकिशोर, वित्तीय सलाहकार एस के दीक्षित, एनएन टंडन, जिलाउर रहमान, शाहनवाज आदि मौजूद रहे। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट के लिए चल रही हैं, उनको अवगत कराया जाएगा। कार्यालय विकास आयुक्त की एक हैंडीक्राफ्ट हेडलाइन है, उसको भी बताया जाएगा। इसके अलावा GST के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर उनको पहचान पत्र बनवाए जाएंगे, उनका मुद्रा है लोन के लिए उनको जो है आवेदन पत्र लिए जाएंगे, और इसके अलावा उनको जो है जो कार्ड आर्टिजन कार्ड यहाँ पर बने हैं कारीगरों के लिए, उनका भी वितरण कराया जाएगा। किन किन लोगों के लिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा? जितने भी दस्तकार हैं जो भी यहाँ पर अवेलेबल होंगे, उनको उसके बारे में मुद्रा लोन के बारे में जानकारी भी दी जाएगी और उनसे आवेदन पत्र भी लिए जाएंगे। और इसी श्रेणी में हम इस तरह के छः कार्यक्रम करेंगे। ये सबसे पहला कार्यक्रम है जिसमें ये सारी गतिविधियाँ होंगी और ये 100 डेज प्रोग्राम के अंतर्गत संचालित है।